पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे पुलिस की जन सेवा चौपाल विजन 2030 के तहत पाल रोड स्थित सम्राट अशोक उद्यान में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें लोगों ने रात के समय अवैध रूप से बिकने वाली शराब, हुक्का बार, कॉलेज स्कूलों के बाहर घूमने वाले असामाजिक तत्व, बजरी खनन, महिला छेड़छाड़ पर कार्रवाई की मांग की। चौपाल ने हाउसिंग बोर्ड के लोगों ने बताया कि रात के समय अवैध रूप से खुलेआम शराब बिक्री हो रही है। वहीं प्रतापनगर क्षेत्रवासियों का कहना था कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है। वहीं थानों में ड्रॉप बॉक्स लगाया जाए जिससे समस्या का समाधान हो सके। पश्चिमी जिले का जन समाज कार्यक्रम है। जन समाज कार्यक्रम के पीछे हमारा उद्देश्य था कि विजन 2030 के बारे में सुझाव प्राप्त करना, उसके अलावा आने वाले चुनाव, रामदेव राय यात्रा और महिलाओं की सुरक्षा, हमारे गरिमा अभियान को लेकर लोगों से बात करना, लोगों से सुझाव प्राप्त करना। काफ़ी अच्छी पार्टिसिपेशन रहा इसके लोगों का, खुलकर उन्होंने अपने सुझाव दिए। मुख्य रूप से सुझाव जो आम समस्या है जैसे शराब की दुकानों पर लेकर के जुआ सट्टा, कबाब, नशा या महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ और अपराध होने के साथ, हमने सभी से आग्रह किया कि वे किसी भी अपराध के आपराधिक स्थल की आपराधिक घटनाओं की सूचना पुलिस तक पहुँचाए। पुलिस उस पर 100% जल्दी से जल्दी त्वरित कार्रवाई करेगी ताकि इस तरह के अपराध आगे बढ़ते रहे। प्रत्येक थाने में, कमिश्नर के प्रत्येक थाने में हम स्वागत कक्ष के बाहर या अगर स्वागत कक्ष में नहीं है तो मुख्य दरवाजे पर एक बॉक्स लगाएंगे, उसमें जो लॉक्ड होगा, उसमें कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत लिख करके डाल सकता है, चाहे तो नाम लिखे या न लिखे उसमें। उस बॉक्स को डेली सुबह SSO के द्वारा खोला जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन इंचार्ज किया जाएगा और उस पर सभी शिकायतों का। कब से शुरुआत हो रही है सर इसकी? इसकी कम एक दो दिन में शुरुआत।